टारगेट अभी को टॉपिक स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स, और हमने पढ़ लिया था कि केमिकल काइनेटिक्स का यूज क्या होता है। एज हमें पता करना होता है दैट द रिएक्शन विल बी स्लो और रिएक्शन विल बी इंस्टेंटेनियस, और हाउ मच टाइम दैट पर्टिकुलर रिएक्शन विल टेक टू प्रोसीड, राइट। उसको प्रोसीड करने में कितना टाइम लगेगा और उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, वो सब बातें हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। यहाँ हम मेनली बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी, दैट मीन्स रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में हाउ मच चेंज हैज कम इन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड अपीयरेंस इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। यू हैव सीन आल्सो द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स। लेट सपोज रेट इज रिप्रेजेंटेड एज रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन टू द रेस्ट ऑफ द पावर x, रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन v रेस्ट ऑफ द पावर 1। This way we represent our rate of reaction. So the x plus y will be the order of reaction. इससे आप predict करेंगे order of reaction. ठीक है, so you have already written it yesterday also and we solved some of the questions, right? So a reaction that proceeds in single step. एक ही स्टेप में रिएक्टेंट रिएक्शन हो जाए, लेट्स सपोज रिएक्टेंट लिया, एक ही स्टेप में उसमें कुछ मिलाया और कैटलिस्ट यूज करा एंड रिएक्ट प्रोडक्ट बन गया। सो एक ही स्टेप में जब रिएक्शन हो जाती है उसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस या दैट प्रोसीड्स इन वन और मोर देन वन steps is known as complex reaction. Complex reaction का मतलब जो एक से ज्यादा जिसमें proceed in more than one step is known as complex reactions. इसको कहते हैं complex reaction. अब हम बात करते हैं units of rate constant. Unit of rate constant. तो बच्चों देखो रेट कांस्टेंट क्या है, के है, कंफ्यूज मत होना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है आर और ये है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की रिएक्शन, लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्शन है ए ए बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, वी हैव सीन दिस प्रीवियसली आल्सो, राइट, दैट ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड ए एंड बी आर द रिएक्टेंट, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट। सो रेट विल बी रिप्रेजेंटेड एज constant, reactant A की concentration raised to the power x, B की concentration raised to the power 5, where x and y can be or cannot be equal to this stoichiometric coefficients. ठीक है, अब देखो अगर हमें इसकी कौन को निकालनी है unit, तो आप क्या करेंगे, rate upon concentration of A concentration of B, यही करोगे। रेट की क्या यूनिट होती है बताओ, रेट की यूनिट को हम पीछे में पढ़कर आए हैं, रेट की यूनिट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दिस इज ओनली द यूनिट ऑफ रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी अगर आपके रिएक्टेंट्स है तो उनकी भी कंसंट्रेशन में ही यूनिट होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये भी यूनिट है आपके रेट, और इनकी भी ए और बी की खुद कंसंट्रेशन की तो है रिएक्टेंट की, सो उसकी यूनिट क्या रहेगी, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ही रहेगी, फिर टाइम ही रहेगा कंसंट्रेशन रहेगी। अब एक बात सुनो, जैसे कि x प्लस y ऑर्डर था, इसको लेट सपोज मैंने n मान लिया कि ये ऑर्डर n है, ऑर्डर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंपल से, जिसको n कहते हैं, तो आया x प्लस y करके, तो यहाँ कंसंट्रेशन की पावर भी n कर देती हूँ, ऑब्वियसली बात है जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही तो कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट का अगर कंसंट्रेशन की पावर n मान ली ना, उसका मतलब है कि हमने a और b को बराबर मान लिया है, नहीं तो ऐसे लिखते ना कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, हमने इसको बराबर ही मान लिया, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इन कॉमन दैट कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर एन, राइट। इसके आगे चलते हैं, नोट इट डाउन, तो इसके आगे जब आप चलेंगे तो आपको दो देखो रिएक्शन किस
सीरीज आपकी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर जिसका ऑर्डर है जीरो। अब उसकी यूनिट क्या होगी तो देखते हैं, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड, यही होती है। और यहां मैंने कंसंट्रेशन ऑर्डर जीरो है, दैट मींस मोल पर लीटर होती है कंसंट्रेशन की यूनिट, ये है जीरो। तो अब एक बात बताओ, अगर जीरो होता है कोई वैल्यू, किसी की पावर जीरो होती है तो हमने एक्सपोनेंट्स में बड़ा है, दैट किसी की भी पावर जीरो दैट मींस वन, तो ये यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड। इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, दैट मींस इसका ऑर्डर रहता है वन, तो यहाँ पे देखो मोल पर लीटर पर सेकंड ऐसा का वैसा इंटू मोल पर लीटर की पावर वन, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट विल कम? सेकंड इनवर्स। देन इफ वी टॉक अबाउट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका ऑर्डर है टू, व्हाट विल कम? मोल पर लीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी वन अपॉन मोल पर लीटर की पावर टू। इसको सॉल्व करो क्या आएगा, एक टर्म से कैंसिल हो जाएगी इसकी और ये ऊपर चला जाएगा, तो व्हाट विल कम? पर मोल लीटर सेकंड, बताओ क्या आएगा, ऐसे कुछ आएगा? चेक इट, या कुछ चेंज करेंगे इसमें? यहाँ पे सेकंड में भी इन्वर्स होगा।